बोरिक एसिड की हमने बात की, एक तो प्रिपरेशन हो गई बोरिन नाइट्रेट से, और जनोवेल इसका मशहूर कंपाउंड कौन सा होता है, Na2B4O7। क्या इससे भी बोरिक एसिड बनता है? बिल्कुल जी, बोरिक से बोरिक एसिड और बोरिक एसिड से बोरिक दोनों बनते हैं। ये रिएक्शन जो है रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी ऑलराउंडर रिएक्शन। बोरेक से की प्रॉपर्टी है बोरिक एसिड की प्रिपरेशन है, फिर बोरिक एसिड की प्रॉपर्टी है बोरेक्स की प्रिपरेशन है। लेकिन 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 अब इशू ये आता है कि ये इससे बनेगा कैसे। तो देखो यहाँ 7 ऑक्सीजन है तो 7 का गेम चलता है, यहाँ जितना ऊपर 3 का चल रहा था 7H2 हम लगा देते हैं। अब इसके बाद यहाँ देखो कितने बोर होने, 4, तो हमें 4 लगाना ही पड़ेगा। क्या बैलेंस हुआ जी? हाइड्रोजन 12 हो गए यहाँ 14, ऑक्सीजन 12 हो गए यहाँ 7 और 7 14, और 2 नाइट्रोजन 2 सोडियम, यानी 2 सोडियम 2 ही ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन बचे में है। 2 सोडियम 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, इसका मतलब है जितने सोडियम उतने ऑक्सीजन उतने हाइड्रोजन। ऐसा कोई कंपाउंड होता है? बिल्कुल होता है जी, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, और उसके कितने मोल्स आ जाएंगे? 2 मोल्स आ जाएंगे। सारा कुछ ट्रिक्स है, बहुत आसान आसान है ये।